दोस्तों साजन फिल्म का एक सीन यहाँ पर शूट किया गया था, जब संजय दत्त माधुरी दीक्षित को घुमाने लेके आते हैं। यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, एक एक दो दो सीन लिए जाते हैं यहाँ से। दीवाना फिल्म का गाना आपने देखा हो तो उसमें भी ऋषि कपूर यहीं पर खड़े होते हैं। दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ पर आप नज़ारा देखिएगा। पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार का कलर हो रहा था और अभी भी इसी प्रकार का कलर हो रहा है, और आप पेड़ देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर ये लगा हुआ है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी। दोस्तों अभी हम हैं तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में अभी हम हैं कुन्नूर शहर में। यह सिटी ऊटी से ज़्यादा दूर नहीं है, ऊटी से भी 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हमने एक ऑटो बुक किया है, मैं हूँ, मेरे साथ अविन यदुवंशी है, तो ऑटो हमने किया है 550 रुपये में। और अभी मैं जहाँ पर हूँ ये एक चाय का बागान है, आप देखिए यहाँ पर है साजन फिल्म की भी शूटिंग, ऊटी कुन्नूर और भी कई जगहों पर शूट हुई है। यहाँ पर नीचे ये आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर कई सीन फिल्माए गए हैं, गाने के सीन हैं, और जब सलमान खान माधुरी दीक्षित को घुमाने लाते हैं तो यहीं का पूरा नज़ारा दिखाते हैं उनको। और मेरे पीछे आप देखिएगा इधर बादलों का सीन, ये जो आप धुआं धुआं देख रहे हैं ये सभी बादल हैं, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं चाय का पेड़ दिखा देता हूँ, चाय का पेड़ कैसा होता है। तो ये है चाय का पेड़, और भी सभी चाय के पेड़ हैं, पूरा चाय का बागान है, लेकिन नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का होता है चाय का पेड़, और ये इसकी पत्तियाँ हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं ये पूरा बागान है। और ये जो आप सूखा सा पेड़ देख रहे हैं, इसी प्रकार के पेड़ पर एक सीन फिल्माया गया था साजन मूवी में। और यहाँ से जब नीचे का नज़ारा देखते हैं बहुत ही शानदार लगता है। इधर देखिए मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा, इधर बादलों का बहुत ही शानदार सीन आ रहा है, लेकिन आप नहीं देख पाओगे इसको। और इधर देखिएगा, इधर शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा धुआं धुआं सा। दोस्तों साजन फिल्म का एक सीन यहाँ पर शूट किया गया था, जब संजय दत्त माधुरी दीक्षित को घुमाने लेके आते हैं। कौन सा गाना आता है वो, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। उस गाने को शुरुआत में यहीं पर फिल्माया गया था। उसमें आप देख सकते हैं पीछे टावर लगा है, ये रोड है, पहले ये डावर का रोड था लेकिन अभी यहाँ पे सीमेंटेड ईंटें बिछा दी हैं। दोस्तों अभी आपने वीडियो में पूरा नज़ारा यहाँ का देखा, और अभी देखिए थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर अभी एक टावर आपको दिख रहा होगा थोड़ी देर पहले ही, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा धुआं धुआं हो गया है। गाना है ना एक, शाम है धुआं धुआं, लेकिन यहाँ पर तो भैया सुबह ही हो गया धुआं धुआं। चलिए फिल्म का एक नज़ारा तो देखने को मिल गया, बाकी अगर सीन मिलेंगे तो वो दिखाएंगे आपको। अभी मैं चाय के बागान देखने के लिए नीचे आया था, तो इधर से काफ़ी पेड़ों में होकर निकलना पड़ा। देखिए कपड़ों का क्या हाल बना दिया, पूरे कपड़े भी से ख़राब हो गए चाय के बागान में घुस के। अब कपड़े जब ख़राब हो ही गए हैं तो मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ कुछ सीन, यहाँ से पैर ना फिसल जाए बस। अरे भाई, अरे भाई भाई तो बहुत ज़्यादा फिसलनी मिट्टी है। अरे भाई देखिए चाय के बागान, उधर एक सीन था उस जगह पर माधुरी दीक्षित और संजय दत्त खड़े होते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे पूरा मामला ख़राब हो जाएगा। देखिए कितनी मिट्टी है फिसलनी, सोच रहा हूँ यहाँ से नीचे जाऊँ या फिर ऊपर की तरफ निकल जाऊँ भाई। जहाँ तक मुझे लगता है मुझे ऊपर निकलना चाहिए यहाँ से, चाय के पूरे बागान आप यहाँ पे देख चुके हो।
इधर अभी भी बादलों की धुआं धुआं दिख रही है। अभी करीब 5 से 10 मिनट पहले मैंने यहाँ पे शूट किया था वीडियो, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, आपने देखा होगा। और अभी देखिए आप, इधर से पूरा धुआं हटके इधर इधर आ गया है। अब इधर देखिए आप कितना गजब लग रहा है। उधर यहाँ तक ये धुआं, उसके पीछे ये पहाड़ है, ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है। यहाँ के मौसम की एक ख़ास बात है, यहाँ पर हर 5 मिनट में कभी धूप, कभी छाया और कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बादल आ जाते, दिखाई नहीं देता। तो अलग अलग तरह के सीन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो चाय के पेड़ हैं, चाय के बागान हैं, यहाँ से मैं एक चाय की पत्ती खा के देखता हूँ, उसका टेस्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको कैसा लगा। तो यहाँ से एक नई सी पत्ती लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे ये पत्ती दिखी है बिल्कुल नई एकदम, इसको खा के देखते हैं। चाय की पत्ती टेस्ट कर देखूँ, चाय को स्वाद आवे कि ना आवे। इनमें कुछ पत्तियों में ऐसा स्वाद है जैसे कि जामुन की पत्तियों में होता है ना, इसी प्रकार का स्वाद है इनमें। ज़्यादा कड़वी भी नहीं है, वैसे आपको मालूम है चाय कड़वी होती है, उसमें चीनी नहीं डालते हैं तब तक वो कड़वी लगती है, चीनी डालने के बाद मीठी होती है। एक पत्ती खा लेता हूँ, इनको खा के बिल्कुल ही जामुन के पत्ते खाने जैसी फीलिंग आ रही है। चलिए चलते हैं। अभी हम कौन सी जगह जाएंगे, दूसरी जगह? डॉल्फिनस। अच्छा, कौन सा? डॉल्फिन्स नोज, कुल्लू, कुन्नूर डॉल्फिन नोज। उसके बाद जाने के रास्ते में स्लीपिंग लेडी। अच्छा अच्छा, टी फैक्ट्री देखना। तो साजन फिल्म की शूटिंग हुई थी वो जगह तो यही है, अभी हमने दिखाई थी। और भी जगह हुई थी साजन की शूटिंग? ऊटी, ऊटी में हुई थी और शूटिंग, यहाँ पर बस यही सीन थे यहीं के। तो चाय फैक्ट्री कब चल, लास्ट में चलेंगे हम? टी फैक्ट्री लास्ट है ना, लास्ट में चलेंगे एंड में। तो कुल्लू डॉल्फिन नोज कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है डॉल्फिन नोज। तो ऐसा ही सीन मिलेगा देखने को, धुआं धुआं या फिर सही मिलेगा कुछ? आपको लगे वो लगे हमारा लगे नहीं, देख बादल नहीं आए तो अच्छा है। अभी देखिए यहाँ पे बादल आ रहा है ना, तो हमें तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन वीडियो में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे पीछे का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इधर चाय के बागान भी कम ही दिख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले धूप था ना तो दिख रहा था, लेकिन अभी धूप खत्म हो गया तो पूरा बादल बादल हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहाड़ों में होकर कितना गजब का पानी आ रहा है, झरना बह रहा है, और यहाँ पे देखिए आप क्या शानदार नज़ारा है। और इसके आसपास की लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कितनी शानदार लोकेशन है। इधर देखिए टी गार्डन कितना मस्त लग रहा है। अभी हम काफ़ी दूर, नज़दीक से इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि दूर से लगता है, बहुत गजब का नज़ारा। दोस्तों फिल्म साजन में एक सीन यहाँ पर फिल्म आ गया था, पूरा नज़ारा देख सकते हैं, इधर है राइट साइड में देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में अभी भी ऐसा कैसा नज़ारा बना हुआ है। इधर यहाँ पर ये बाद में बना दिए, और इधर नीचे का नज़ारा आप देखिए कितना मस्त व्यू है। यहाँ पर जो सीन आता है उसमें वो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं सलमान खान और उनके घर में जो नौकर होते हैं फिल्म में, तो वो दोनों लोग इधर से ही निकलते हैं गाड़ी में, और इधर भाई पता नहीं कहाँ जाते हैं वो, लेकिन जहाँ भी जाते हैं ना नज़ारा बहुत मस्त है भाई। ये देखिए यहाँ पे आप फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं, देखिए वहाँ पे वो गाड़ी लगी है, भैया कह रहे थे कि आपका फ़ोटो शूट करना है, कि हमने कहा भैया हम खुद ही फ़ोटो शूट कर ले किसी और का, तुम हमारा क्या करोगे। अभी हम जिस जगह पर पहुँचे हैं ये है स्लीपिंग लेडी पॉइंट, इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ नहीं दिखेगा फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूरा क्लाउड है नीचे, क्लाउड है ना पूरा, ये पूरा क्लाउड है, बहुत शानदार लग रहा है, और ब्लर हो रहा है कैमरा भी। उधर आप देखिएगा, उधर आपको एक वो पहाड़ दिख रहा होगा, तो क्या बोलते हैं इसको? स्लीपिंग लेडी व्यू। स्लीपिंग लेडी व्यू, उसको ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ वो पहाड़ देखिए, प्रेग्नेंट लेडी टाइप है। अच्छा प्रेग्नेंट लेडी टाइप है,
प्रेग्नेंट लेडी टाइप। हाँ अब दिखाया थोड़ा थोड़ा। हाँ वहाँ से तो यहाँ पे कैसे कैसे है, किस प्रकार से बनाया बताइए इसको। वो आगे देखना तो हेड है। अच्छा हेड सेंटर जेस्ट है। अच्छा इधर बैक इधर वो स्टमक। हाँ स्टमक पूरा प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी स्लीपिंग टाइप है। हाँ जैसे प्रेग्नेंट लेडी लेडी स्लीपिंग 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 टाइप का ऐसा स्लीपिंग। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा वो पार्ट का सेफ। वाह इस कितना गहरा होगा नीचे। नीचे 1500 फीट है के डाउन। 1500 अरे वाह। आगे बड़ा रॉक है ये अभी देखने की नहीं है। वो बड़ा रॉक है, वो रॉक का नाम है लेम्स रॉक है। लेम्स रॉक वापस आने के टाइम क्लियर है तो स्टॉप कर। अच्छा क्लियर रहेगा तो वापस आते टाइम थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ का नज़ारा जो मैं देख पा रहा हूँ वो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे। अभी मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कल कैमरा का जो कार्ड है वो डैमेज हो गया था, इसलिए कैमरा मैंने रखा है तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर अगर कैमरा भी मेरे पास होता तो इसमें कैमरे से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा बादल दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ के जब नज़ारा देख रहे हैं ना तो एकदम आँखों को सुकून मिल गया ऐसा नज़ारा देख के। मान के चलो आप स्वर्ग में पहुंच गए, जैसे कि हमें टीवी में जो फिल्में होती हैं और जो सीरियल होते हैं उनमें जैसे स्वर्ग का नज़ारा दिखा देते हैं, जैसे कि रामायण महाभारत में दिखाते हैं यहाँ पे इंद्र बैठे हुए होते हैं और उनके साथ अप्सराएं होती हैं, तो उसमें इसी तरह का नज़ारा को देखने को मिलता है, बादल टाइप का धुआँ धुआँ। तो वो नज़ारा एक्चुअली में ऐसा ही लगता है और आज हमने रियली में ऐसा नज़ारा देख लिया। ऑटो हमारा आ गया है, आगे चलते हैं अभी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं डॉल्फिश नोज़। यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना है और इधर ऊपर भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं वेलकम टू डॉल्फिश नोज़ व्यू पॉइंट। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे टिकट कितने का है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम इधर जाएंगे, ये ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है बहुत ही शानदार, वो आगे बना हुआ है। व्यू पॉइंट हम देख सकते हैं लेकिन पीछे का नज़ारा कुछ भी नहीं देख पाएगा बिकॉज क्लाउड बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर अभी। चलिए कुछ मैं आपको यहाँ से सीन दिखा देता हूँ, आपको आ जाएगा समझ में, स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए सीन इस तरह से फिल्माया गया था, इसको भी थोड़ा डेवलप कर दिया है। यहाँ पर ऊपर रेलिंग लगा दी है और पीछे की रेलिंग अभी भी ऐसी है, पहले भी ऐसी थी लेकिन इस पर अभी ट्रैप लगा दिया है। और फिल्म साजन में एक सीन ना ऊपर से लिया गया है इधर में, यहाँ से जब आप छतरी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में देखिएगा वो सीन यहीं का है, लेकिन वो ऊपर से फिल्म गया था और उस टाइम इस पर ऊपर छतरी नहीं थी, खाली यहाँ पे पूरा पक्का हुआ था, गोल गोल बना हुआ था। चलिए अभी ऊपर चलते हैं और वहीं से यहाँ का भी नज़ारा दिखेगा शानदार और ऊपर का भी हम आपको दिखा पाएंगे। ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, पहले बाहर से मैं आपको दिखा रहा था सही नहीं दिख पा रहा था ये। चलिए बोर्ड को क्या देखना, जब आ ही गए हैं तो पूरी लोकेशन देख लेंगे ऊपर चल के। इतना मुझको तड़पाता है मुझे सारी रात। दोस्तों यहाँ का है फिल्म में एक सीन, लेकिन लोकेशन जो है वही है लेकिन थोड़ा इसमें डेवलपमेंट कर दिया है अभी। यहाँ पे छतरी बना दी है और ऊपर से आप नीचे का नज़ारा देखिए। यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, एक एक दो दो सीन लिए जाते हैं यहाँ से। दीवाना फिल्म का गाना आपने देखा हो तो उसमें भी ऋषि कपूर यहीं पर खड़े होते हैं। दीवाना फिल्म का मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा उसमें सीन। दोस्तों साजन फिल्म के गाने की जब यहाँ पर शूटिंग हुई थी तो उस टाइम भी यहाँ पर क्लाउड था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउड है।
दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से टी फैक्ट्री पहुँचते हैं और वहाँ जाके वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको किस प्रकार से वहाँ पर चाय की पैकिंग की जाती है। टी फैक्ट्री जा रहे हैं यहाँ से होते हुए, इधर आप देखिए पहाड़ों पर पूरे चाय के बागान लगे हैं, बहुत शानदार। शानदार नजारा आ रहा है यहाँ से। तो अरे भाई रोड खराब। रोड यहाँ पे खराब है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा है हाथ भाई। ये है टी फैक्ट्री। दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं टी फैक्ट्री। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह से इसको ड्राई क्लीन करते हैं, पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मेन गेट है आने का, और इधर ये है पूरी फैक्ट्री, लिखा हुआ है विजिट टी फैक्ट्री। कैमरे में तो आ नहीं रहा भाई पूरा। वेलकम टू बेंचमार्क। चलिए उधर से, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ पर है टिकट काउंटर। कितने का टिकट मिलता होगा यहाँ पे? 30 रुपये। 30 रुपये का टिकट है? हाँ, तो यहाँ से 30 रुपये का टिकट लेके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं ना। हाँ, किस प्रकार से बनता है बना रहा है पूरा। इधर बने का चाय पत्ती उधर ले लो कहाँ। अच्छा यहाँ से पर खरीदना है चाय पत्ती? आउटलेट है ना, फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पे पूरा मिल जाएगा ना, गारंटी और सब पूरा, सब पूरा मतलब बड़ी चाय मिलेगा। अच्छा हाँ, यूकलिप्टस ऑयल आने का। हाँ अच्छा, वो हाँ वो जो आप बता रहे थे नीलगिरी का जो तेल होता है जो जोड़ों में। हाँ, होममेड चॉकलेट पूरा नीचे, होममेड चॉकलेट भी नीचे मिलेगा। यहाँ चॉकलेट भी फेमस है, यहाँ की फेमस इधर में चॉकलेट बनता है इधर। अरे क्या बात, बना रहे गजब मस्त लगता है एकदम। दोस्तों अंकल जी बता रहे थे कि ऊटी में सिर्फ ऊटी नहीं कुनूर, ऊटी कुनूर दो फैक्ट्री एक ही ब्रांच है। अच्छा, ऊटी कुनूर कुछ बोल दे, एक ही बात है। हाँ फिलहाल तो वैसे कुनूर में है ना, कुनूर तो कुनूर में एक यही फैक्ट्री है बस, एक ही जो फैक्ट्री ज्यादा ही है, अलाउड ही है। हाँ विजिटर्स के लिए अलाउ एक ही फैक्ट्री है, वो है ये बेंचमार्क, जो कि कुनूर में। कुनूर से कितना दूर है ये? 7 किलोमीटर। तो कुन्नूर शहर से 7 किलोमीटर दूर बेंचमार्क के नाम की फैक्ट्री है चाय की। ये अलाउ है विजिटर्स के लिए, यहाँ पे विजिटर्स आ सकते हैं, घूम सकते हैं, पूरा प्रोसेस देख सकते हैं किस प्रकार से चाय को बनाते हैं। क्या ले रहे हो? हाँ चाय टी, चॉकलेट टी में पूरा टी में पूरा प्रोसेस। चलो तो अंदर चलते हैं अभी। टिकट दोस्तों, ये टिकट हमने ले लिया है, 57 रुपये का टिकट है, इसमें 3 रुपये का GST लगा के 60 रुपये का कर दिया है टिकट। इधर से वेदरिंग सेक्शन। अच्छा इसमें हॉट एयर इधर से आएगा ना, पूरा पता भी वेदरिंग। अच्छा हॉट एयर आता है इधर से। इसमें डालते हैं पत्ता। अच्छा चाय की पत्ती इसमें डालते हैं? इसमें डालते हैं। ओके इसमें दिखेगा तो कुछ है नहीं, इस नीचे नीचे वो पत्ती गया हुआ है। हाँ अच्छा, इसमें गर्म हवा कोट लगा के उसके बाद पत्ती को गर्म करके फिर डाल दे इसमें। अच्छा वेदर हॉट करके उसको। अच्छा पत्तियाँ जो वो रहती हैं गीली रहती है उनको सुखाया जाता है। अच्छा ड्राई मतलब सुखा करके उसके बाद इसमें डाला जाता है। ओके इसमें डालने के बाद फिर उसके बाद फिर नीचे का प्रोसेस है।
क्रश कटिंग, पत्ता डालता है ना ऊपर ऊपर से, हाँ, इधर आता है पूरा क्रश कटिंग करता है, इसमें कटिंग करता है, हाँ, सही सही इसमें से आता है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग ग्रेड्स, हाँ हाँ सही सही सही, इसमें गिरता है आके पत्ता, उसमें फिर कटिंग होता है पत्ते का, अच्छा इस प्रकार से होता है प्रोसेस। तो इस प्रकार से मतलब पत्ते की कटाई होती है। ओके ओके उसके बाद जो जो पत्तियां को ड्राई करके मशीन में से निकाल के लाते हैं, उसके बाद यहां से पत्तियों को इसमें डालते हैं। ओके ओके चलो फाइबर निकालते फाइबर मतलब फाइबर मतलब पत्ती का थोड़ा थोड़ा देना, नहीं वो ब्लैक ब्लैक जो होता है ना चाय का, वो ब्लैक नहीं ब्लैक सेपरेट फाइबर सेपरेट सेपरेट सेपरेट, अच्छा इसमें से निकलता है फिर, मतलब सेपरेट को अलग कर देता है और जो बाल बाकी कूड़ा बचता है उसको अलग कर देता है, ऐसे करता है ना, छटाई करता है ये, है वही है, हाँ पत्ता का फाइबर ना दूसरा दूसरा, ओके ओके चलो अच्छा इधर से आना है, अलग अलग ग्रेड्स साइजेस, अच्छा सिक्स ग्रेड्स, अच्छा सिक्स ग्रेड निकालता है अलग अलग, हाँ अलग अलग साइजेस, अलग अलग साइज के से छह ग्रेड निकालता है सिक्स, ओके 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 उधर से मशीन चालू करके आ रही है शायद वो, अच्छा कुछ लेके आई हैं हाथ में, तो यहाँ पे जितने प्रकार की जो चाय यहाँ बनाई जाती है वो सारी वो लेके आ रही हैं और अभी हमें दिखाएंगे, देखिए ये पत्ती का फाइबर, ये पत्ती का फाइबर, ये बेस्ट है ना, ये बेस्ट इसको बोलते हैं फाइबर, अच्छा ये अलग अलग कूड़ा है बिल्कुल, और ये क्या है, ये अलग अलग साइज से मशीन में डालते हैं ना, सिक्स अलग अलग साइज, अच्छा ये तो थ्री साइज है, ये तीनों यूजेबल है क्या, थ्री है अंदर, अच्छा ये तीनों यूजेबल है, ये बेस्ट है, ये कचरा निकलता वो है, और ये तीनों यूजेबल है, यानी ये पत्ती है, अच्छा वो चाय की वो होती है ना गोल गोल राउंड में पत्ती, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा हमारे वहाँ वही मिलता है राजस्थान में, अच्छा इधर नहीं मिलता वो गोल गोल चाय का, ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल से बना गया, ओके ओके टी टेस्टिंग उधर, इधर टी का टेस्टिंग, अच्छा अच्छा चलिए वो भी दिखा देते हैं, इसका मतलब ये क्वालिटी रूम है, यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, अरे सर चाय को मतलब टेस्ट करते हैं, ओके अच्छा अच्छा यानी यहाँ पे जो चाय बनी हुई है उसको बना के ये पिलाएंगे क्या, ना जी जी भाई उनका जो एक्सप्लेन बनी हुई जी एक ही मिनट चाय बन के आ रही, अच्छा उसको चाय से क्वालिटी टेस्ट कराएंगे, हाँ ये है हम आपको टी टेस्टिंग सर, टी टेस्टिंग होता है, ब्लैक टी मसाला टी, अच्छा अच्छा कौन सी टी चेक करोगे बताओ, अरे सभी टेस्ट कर लेंगे, सभी टेस्ट कर रहे हैं पूरा टेस्ट करेंगे, वो कह रही है पूरा ही नून ब्लैक का थोड़ा थोड़ा देना, ये ज्यादा नून ब्लैक ये आगे ब्लैक टी है, ये ब्लैक टी है, ब्लैक टी
इस कार्डमम टी सर टेस्टी इलायची वाला ब्लैक इलायची वाला चाहिए वो चाहिए टेस्ट करो इसको टेस्ट करके देखो ये इलायची वाला थोड़ा थोड़ा पूरा का टेस्ट करो ये इलायची वाला इलायची वाला चाहिए ये हां हां ये पहुंचती है ना अपने यहाँ हाँ ये चाय पहुंचती है अपने यहाँ पे तो बाकी यहाँ पे देखो इसको ब्लैक टी बोलते हैं इधर ये है ग्रीन टी ब्लैक अपने यहाँ पहुंचती है ये है ओलोंग टी और ये है वाइट टी। वाइट टी का तो आज पहली बार ही पोस्टर देख रहा हूँ सुना नहीं वाइट टी भी बोलती है वाइट टी भी देखेंगे अभी कैसी दोस्तों। फर्स्ट में हमने पिया था इलायची टी उसके बाद हमने पिया है वो कौन सा टी था ब्लैक टी पिया और अभी हम पी रहे हैं ये कौन सा है मसाला अभी ये मसाला टी है ये टेस्ट करते हैं कैसा है। हाँ मसाला टी बहुत शानदार है लेकिन जो ब्लैक टी था ना उसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम पीते हैं ना ब्लैक टी ये ज़्यादा पीते हैं तो इसका स्वाद ही बहुत शानदार है। दोस्तों ये तीनों प्रकार की चाय हम टेस्ट कर चुके हैं मसाला टी और इलायची टी एंड ब्लैक टी और अभी ये वाइट टी बनाई आंटी जी ने ये है वाइट टी इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है वाइट टी क्यों बाकी टी तो हम देख चुके हैं किसी प्रकार की होती है लेकिन वाइट टी हम पहली बार देख रहे हैं इसके 2-3 words ओनली ये 3 words आप लेंगे तो जैसे कि अगर आपको 2 cup चाय बनानी है 2 cup चाय के लिए 3 words ओनली इनसे वो भी रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं कि सुबह भी इनसे बना सकते हैं शाम को भी बना सकते हैं चाय दो बार इसको यूज़ कर सकते हैं तो 3 words में हाँ ये वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट है लेकिन ये भाई बहुत ही कॉस्टली है आप देखिए इधर दोस्तों अगर आप 50 ग्राम चाय लेते हैं तो ये है 640 यानी कि 640 रुपये की पड़ेगी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी है। चलो ये टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको किस प्रकार का टेस्ट है इसका। दोस्तों वाइट टी को अभी हमने टेस्ट किया है इसमें स्वाद नहीं था बिल्कुल भी ना ही तो इसमें शुगर डलती है और ना ही इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डलता है इसमें बस पानी को गर्म करो पानी में गर्म करके इसके 2 या 3 words से डाल करके उसको उबाल लो और बना के पी लो। दोस्तों अभी हम बाहर निकल चुके हैं टी फैक्ट्री से ये पूरी टी फैक्ट्री आप देख चुके हैं और इसके जस्ट पीछे का नज़ारा आप देखिए कितना खूबसूरत है पहाड़ों के बीचों बीच बनी है फैक्ट्री और इधर यहाँ पर कोई भी अगर आप चाय लेना चाहोगे तो यहाँ से चाय मिल सकते ले सकते हैं ग्रीन टी वाइट टी ब्लैक टी जो भी आप चाहते हो। तो यहाँ अंदर चलते हैं चॉकलेट भी मिलता है यहाँ पे चॉकलेट चॉकलेट टी ओके होममेड चॉकलेट होता है ना ओके ये पूरा यहाँ पे चाय है और इधर ऑयल भी है लेमन ग्रास ऑयल है यहाँ से जो भी आपको चाय पसंद है वो चाय ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ से ये सामान परचेज किया है ये है तुलसी ग्रीन टी और ये है लेमन टी एंड ये ग्रीन टी और ये है मसाला टी और ये है बच्चों की मालिश के लिए तेल ये है नीलगिरी पर्वत का ओरिजिनल तेल जो कि जोड़ों के दर्द के लिए और उसके लिए काम आता है इधर ये मसाला टी है। टोटल बिल हमारा हुआ है 1960 का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था हमारे हाथ पे जो शुरुआत में एक टैग लगाया था ये बार कोड है इसमें तो हमने यहाँ पे जब चाय की परचेजिंग की तो इन्होंने पहले इसको स्कैन किया बार कोड को उसके बाद में हमारा बिल बनाया। तो हमारा जो सामान है इसमें ज़्यादा वेट तो है नहीं लेकिन ये बैग देख रहे हो आप कितना बड़ा बैग है इसको कैरी करने में बहुत दिक्कत रहेगी अभी तो यहाँ से अभी हम सीधा ऊटी निकलते हैं। ऊटी में 1-2 सीन और हैं साजन फिल्म के तो चलिए अभी ऊटी में मिलते हैं। दोस्तों अभी हम ऊटी पहुंच चुके हैं और ऊटी में जहां हमने रूम बुक किया है बस स्टैंड के जस्ट पास में और बस स्टैंड के जस्ट सामने ये मंदिर बना हुआ है अब देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ है और ये मंदिर है। मंदिर अभी मैंने देखा नहीं है कौन से देवी देवता का है वो अभी चल के देखेंगे। तो साजन फिल्म में यहाँ पर सीन फिल्माया गया था जब माधुरी दीक्षित जब सलमान खान माधुरी दीक्षित से टकराते हैं साइकिल पर वो गिर जाते हैं तो वो इसी जगह का नज़ारा है। ये तो वो वाली बात हो गई बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा कहावत आपने सुनी होगी तो हमारे रूम के जस्ट पास में यानी कि 200 मीटर दूरी पर ये जगह थी ये लोकेशन थी साजन फिल्म के लिए हम नहीं देख पाए। जब मैं ऊटी यहाँ से कुन्नूर जा रहे थे ऊटी से तब बस में से ये लोकेशन दिखी अभिन भाई को अभिन भाई ने बताया सतेंद्र भाई यहाँ पर तो लोकेशन है बहुत गजब की तो तब हमें मालूम पड़ा कि यहीं पर हैं सीन तो कुन्नूर से वीडियो शूट करके फिर अब यहाँ आए हम तो चलिए यहाँ पर फिल्म के सीन दिखाते हैं उसके बाद वीडियो एंड करते हैं।
दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ पे आप नज़ारा देखिएगा। पहले भी यहाँ पे इसी प्रकार का कलर हो रहा था और अभी भी इसी प्रकार का कलर हो रहा है, और आप पेड़ देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर ये लगा हुआ है कुछ दीपक जलाने के लिए शायद। यहीं पर आते हैं सलमान खान, और उधर से जब पीछे की तरफ देखते हैं तो इसी जगह पर यहाँ पर गिरते हैं वो। इसमें आप नज़ारा देखिएगा, उधर से एक ऑटो आता हुआ है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरहा बना हुआ है, इधर से इधर के लिए भी साधन जाते हैं, इधर के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीन था पहले कुछ यहाँ पर बॉक्स टाइप का बना हुआ था, वो फ़िलहाल अभी है नहीं यहाँ पर। इधर आप नज़ारा देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये मंदिर दिखा देता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पर अगरबत्ती लगाई जाती है, उसके लिए लगा है स्टैंड। और इधर ये मंदिर का नज़ारा, इधर ये शायद किसी देवता का मंदिर है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो बॉक्स लगा है वाइट कलर का, ये आप देखिएगा, ये फिल्म में भी इसका सीन फिल्म का है, जो दो लड़कियाँ होती हैं यहाँ पर खड़ी होकर देखती हैं सलमान खान को, तो इधर का सीन लिया जाता है उसके बाद। इधर यहाँ पर सलमान खान खड़े होते हैं, यहाँ पर लड़के खड़े होते हैं, तो सीन यहीं पर फिल्माया गया था। बाकी आप मंदिर भी देख सकते हैं, अंदर की जो प्रतिमा लगी है वो कुछ भगवान की है, वो प्रतिमा पूरी तरह नहीं देख पाएगी। ये भगवान है या इनके कोई दोस्तों। इधर यहाँ पर ये मंदिर है, और मंदिर के देखिए आप जस्ट सामने ही इधर ये पूरा ऊटी का नज़ारा, और यहाँ पर ये है बस स्टैंड मंदिर के बिल्कुल सामने बना है। तो आज आपको वो ऊटी का बस स्टैंड भी दिखा देता हूँ मैं। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, बहुत ज़बरदस्त धूप निकल रही है, और यहाँ आप नज़ारा देखिए, यह है ऊटी का बस स्टैंड। और वहाँ पे जो फ्लैग लगा है ना दोस्तों, वहाँ पर ऊटी का रेलवे स्टेशन है। और यह है ऊटी शहर, क्या गजब का नज़ारा है दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो में आपने पूरा चाय के बागान वगैरह और साजन मूवी की शूटिंग लोकेशन देखी, और ऊटी का भी नज़ारा आपने आज देख लिया। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। ऊटी से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है पाइन फॉरेस्ट नाम से, वहाँ पर हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए तो हज़ारों फिल्में शूट हुई हैं, रोमांटिक गाने वहाँ पर शूट होते हैं। तो पाइन फॉरेस्ट में एक फ़िल्म बनी थी राज, वो एक भूतिया फिल्म थी, उस जंगल में राज फिल्म की शूटिंग हुई है। रात्रि के जितने भी सीन ले गए उसी जंगल के हैं, जो भूत होता है, भूत नहीं भूतनी होती है, तो उस जंगल में ही होती है, उसको मार के जंगल में गाड़ते हैं। तो मतलब पूरी फिल्म की कहानी जो है उस जंगल पर ही है, जो पाइन फॉरेस्ट का जंगल है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे रोमांटिक गाने शूट हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ऊटी का जो नाम है पूरा नाम वो है उड़कमंडलम, वो हमें यहाँ पर जाकर मालूम पड़ा। हम यहाँ गए थे, यहाँ पर जो फ्लैग लगा है, हम यहाँ पे जानकारी करने के लिए गए थे कि टॉय ट्रेन अभी चालू है या फिर नहीं है, तो जानकारी मिली कि टॉय ट्रेन अभी कोविड-19 की वजह से बंद कर रखी है। और वहाँ पे जाके फिर हमें ऊटी का पूरा नाम भी मालूम पड़ गया। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, मिलते हैं अगले और नई वीडियो में पाइन फॉरेस्ट के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।